अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पीके बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह के फजल से आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों देखो कैसे पीके एंजॉय कर रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा ठंडा ठंडा पानी है जी। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह जी पीके जी बारबेक्यू करेगा फिश की जी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत मज़ा आता है दोस्तों। तो पीके के साथ रहें इंशाल्लाह। अभी ये सारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएं जी, अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखें दोस्तों, ये आ गई जी हमारे पास फिश। तो अभी जी हम इसको छोटा करेंगे। ये देखें जी, इतनी इतनी बोटियां बनाएंगे जी हम। ये देखें, ये देखें जी, तो ये देखें जी, अभी ये 1.5 चम्मच है जी इमली का। ये मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दी थी। अभी ये 1 चमचा आ गया जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जाएगा जी इसमें। तो ये बारबेक्यू वाला 1 चम्मच डालेंगे जी मसाले का, और ये 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च। तो जी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और जी आ गया जी ये सफ़ेद नमक 1/2 चम्मच। तो सबको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। इसमें एक मैं भूल गया था, ये गरम मसाले का भी रहता है। तो सबको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। एक चम्मच डालेंगे जी विनेगर का, सफ़ेद सिरका जो है। तो 1 चम्मच डालेंगे जी अजवाइन का। सबको अच्छे से कर देंगे जी मिक्स। ये देखें जी, अभी 2 से 2.5 घंटे रखेंगे जी इसको, लेकिन मुझे जल्दी है तो इसलिए मैं फौरी मिक्स करने के बाद बना दूंगा जी। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जी अच्छे से लग गया है सारी फिश को। तो अभी जी फिश को सीखों में लगाएंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी 5-5 हम लगा रहे हैं जी। तो अभी जी इसी तरह दूसरी सलाख तैयार करेंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। तो ये जी आ गई 3, ये जी आ गई 4, ये थोड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें, कोयले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान, देखें जी रेडी हैं जी हमारी बिल्कुल जो फिश की बोटियां हैं। तो अभी हम इसको रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी अभी एक एक करके रखेंगे। ये देखें जी, तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोस्तों जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यारी बनती हैं जी ये बारबेक्यू वाली जो फिश है। तो ये हमने जी ऑयल लिया, ये साथ ये ब्रश है। तो हल्का हल्का घी ना भी लगाएं, तो कुदरती फिश के अंदर घी होता है, ऑयल जो फिश के अंदर होता है, तो उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बनती है जी। तो अभी हल्की हल्की जी हवा देते हैं ताकि इनको टेम्परेचर जल्दी पहुंचे। दोस्तों ऐसे
अच्छे अच्छे और महफिली काम जरूर किया करें, मजा आता है जी। साइड चेंज किया है जी, तो अभी ऑयल लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, ये देखें जी। तो अभी जी साइड चेंज कर दें, ये देखें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, फिश हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें दोस्तों, जरूर ट्राई करें। तो अभी हम इसको उतारते हैं, ये देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी केले के हमने जी लिए हैं छिलके, ये देखें, छिलका नहीं है सॉरी, ये है केले का पत्ता। तो अभी ये देखें जी, तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कितना प्यारा कलर आया जी, और कितना बेहतरीन और प्यारा जी इस वक्त इसकी जी डेकोरेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, दही हमारा रायता साथ आ गया। तो भी इसको हम निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी मजा आ गया दोस्तों, ज़रूर ट्राई करें। तो अपने पीके भाई को दुआओं में याद रखें। तो इसी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।